जय श्री राधे जी, वेलकम टू डन ग्रुप। आज हम बात करने जा रहे हैं राहु के कुछ अच्छे और बुरे चिन्हों के विषय में। राहु का क्षेत्र यानी कि आपके हथेली के बिल्कुल मध्य का जो क्षेत्र होता है यानी कि बीच का क्षेत्र, इस क्षेत्र में बहुत सारी ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि आपके जीवन के लिए अत्यधिक शुभ होते हैं। कुछ ऐसे सिंबल्स भी होते हैं जो कि आपके लिए विपरीत प्रभाव को लाने का काम करते हैं और परिस्थितियों को आपके विरुद्ध करते चले जाते हैं। कुछ खास रेखाएं होती हैं जो कि इस क्षेत्र से गुजरती है आपके जीवन से संबंधित, जिसमें मस्तिष्क रेखा की स्थिति होती है, जीवन रेखा की स्थिति होती है और साथ ही आपके लिए महत्वपूर्ण भाग्य रेखा की स्थिति भी यहीं से होकर निकलती है। तो इन सब पर भी राहु का प्रभाव छाया की तरह ही सही लेकिन स्पष्ट तौर पर पड़ता है। इसके अलावा धन संबंधित जीवन में पद मान सम्मान और धन से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण सिंबल है वो भी इस क्षेत्र में देखे जाते हैं। इसके अलावा राहु के इस क्षेत्र की अपनी खुद की भी स्पेशलिटीज है और इसके अनुरूप इसके भी फल आपके जीवन में प्राप्त होते रहते हैं। चाहे वो दूसरे ग्रहों से प्रेरित ही क्यों न हो लेकिन इनका अपना ही प्रभाव यहाँ पर स्पष्ट तौर पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ खास बेसिक पॉइंट्स से। बहुत सारे लोग ऐसे जवाब खुद से लेके आते हैं कि अगर मेरा हथेली का ये मध्य का क्षेत्र बहुत ज़्यादा डीप है यानी कि बहुत ज़्यादा गड्ढेदार है तो ये हमारे लिए काफ़ी उत्तम होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि जीवन में धन आएगा और धन रुकेगा भी यानी कि जाएगा नहीं। देखो, धन रुकने से इसका कहीं से भी कोई संबंध नहीं है। जैसे ही इस यहाँ पे ये क्षेत्र गड्ढेदार होगा ना, तो उस समय आपको दो चीज़ों पर गौर करना चाहिए। सबसे पहले किस पे, तो सैटर्न की सिचुएशन पे। सैटर्न कैसी है? अगर गड्ढेदार है और सैटर्न यहाँ पे आपके लिए बेहतर स्थिति में है तो ये आपके जीवन को मान सम्मान पद और धन से इतना भर देगा कि पूछो मत। लेकिन वहीं पर अगर सैटर्न की स्थिति बेहतर नहीं है और गड्ढेदार है और साथ ही आपके उंगली जब एक साथ सारी उंगलियों को जोड़ोगे और इस मध्य में अगर गैप दिखाई देंगे, आपको चार से ज़्यादा गैप दिखाई देने लगे कुल मिला के, पूरी चारों उंगली को मिला के, तो समझ लो आपके लिए परिस्थितियाँ मुश्किल हैं। धन काफ़ी मात्रा में खर्च होगा, कितना भी कमा लो सेविंग आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हमेशा कुछ ना कुछ खर्च लगा ही रहेगा और एक तरीके से कहें तो कई दफ़े आपको पैसे लेने की भी नौबत आ जाएगी दूसरों से, या एक असुरक्षा की भावना आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहेगी। लेकिन मान लो कि ये उथला हो यानी कि ऊपर की तरफ हो और यहाँ पर गैप हो, ये क्या करेगा? एक सामान्य जीवन की स्थिति को दर्शाने का काम करता है। व्यक्ति कमाता भी रहेगा, खर्च भी होते रहेंगे, कुछ ना कुछ समस्याएं लगी रहेंगी, ऐसे ही नॉर्मल जिंदगी चलती रहेगी। लेकिन ये उथली है और सैटर्न की स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं है तो क्या होगा? यहाँ पर भी असुरक्षा की स्थिति और स्थायित्व की कमी यानी कि स्टेबिलिटी हो पाती है। पैसा सही मात्रा में सही समय से व्यक्ति के पास नहीं आता जाता है, उसमें हमेशा ज़्यादा कम होता रहेगा। कहीं नौकरी कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, व्यापार कर रहे हैं तो कभी अच्छा आ रहा है कभी बुरा जा रहा है, ऐसी परिस्थितियों को बढ़ाने का काम करेगा। हालांकि इसके सूक्ष्म विश्लेषण में आप जाएंगे तो इसके बहुत सारे रीजन और उपाय भी आपको पता चलेंगे जब बोथ पाम को डीपली एनालाइज किया जाता है तो। लेकिन यहाँ पर सामान्य तौर पर मोटे तौर पर सबके लिए जो बता रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में इसके उस प्रकार से फल आपको देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ मुख्य रेखाओं की। मान लो किसी की भाग्य रेखा इस क्षेत्र से जा रही हो तो इस क्षेत्र में खासकर ध्यान देना कि यहाँ की पोजीशन कैसी है। ठीक है, यहाँ अगर इस मध्य के क्षेत्र में कहीं भी टूटती है और राहु का क्षेत्र आपके लिए शुभ नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा कि संघर्ष को बढ़ाने का काम करेगा। आपके पास क्षमता होगी, आपके पास काबिलियत होगी, लेकिन आपको मौके नहीं मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज आपसे दूर भागेंगी। अपॉर्चुनिटी मिल भी गई तो लोग उदासीन रहेंगे, वरिष्ठों का सहयोग मिलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, या पैसे इतने कम मिलेंगे या प्राप्त होंगे जिससे आप निर्वहन अपना नहीं कर पाएंगे। इस कारण आप उन चीज़ों से दूर हो जाएंगे और भटकाव की स्थिति आपकी चलती रहेगी। इसके अलावा कुछ मामलों में मान लो यहाँ पर आपके मंगल की स्थिति बेहतरीन हो तो क्या होगा, पैसे आएंगे लेकिन आने का तरीका गलत होगा और गलत जगह से आएंगे, या आएंगे तो उसके कारण उससे ज़्यादा घर में कलह उत्पन्न हो जाएगी, तो ऐसी परिस्थितियों को भी बढ़ा देने का स्पष्ट तौर पर काम करता है। मस्तिष्क रेखा अगर इस क्षेत्र में सक्रिय है और उसी कालखंड से आप गुजर रहे हैं
तो ये इसके प्रभाव अगर सुप्रभाव होगा तो आपके लिए बेहतर नजरिया आपके बनाने का काम करेगी, आपको सही प्रकार की सोच आपके अंदर विकसित होगी। लेकिन वहीं पर अगर परिस्थिति विपरीत रहेगी तो ये आपके लिए एक ऐसी मुश्किल स्थिति ला देगी जिसमें आप खुद से अपने लिए परिस्थितियों को मुश्किल बनाते हुए चले जाएंगे। थोड़ा ऊपर तक अगर हम देखें तो राहु के ही इस क्षेत्र में आपको क्रॉस का यहाँ पे साइन स्पष्ट तौर पर दिख जाएगा। जब भी ऐसी स्थिति यहाँ पे बने, ये जातक के लिए अत्यधिक शुभ होती है, लेकिन ये जातक के अंदर आलस्य को भी पैदा करती है। जातक के अंदर अंतर्ज्ञान को भी, आत्मज्ञान को भी पैदा करती है, आत्मबल को भी पैदा करती है, लेकिन साथ ही जातक को निष्क्रिय भी बनाती है। तो इस मामले में यहाँ पे अगर ये शुभ रहेगा, सैटर्न अच्छा रहेगा, तो जातक करेगा, जो ज्ञान है उसे यूज करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अगर सैटर्न की स्थिति, मार्स की स्थिति अच्छी नहीं है तो ज्ञान रहेगा लेकिन उसका यूज कहीं नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो ऐसी स्थिति को बढ़ाने का काम करेगा। इसके अलावा कुछ खास जो लक्ष्मी योग है या धन लक्ष्मी योग है उसके योग को बढ़ाने का काम करता है, विपरीत राजयोग को बढ़ाने का काम करता है। वैसी कुछ चिन्ह यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जैसे ट्रायंगल के रूप में मिल जाए, ट्राइडेंट के रूप में मिल जाए या स्क्वायर के रूप में मिल जाए। ये जब भी यहाँ पर होंगे ये आपके लिए स्थिति को आपके पक्ष में करने का काम करेंगे और जातक के लिए धन के प्रवाह को निर्बाध गति से बढ़ाते हुए रहेंगे। लेकिन अगर ये कहीं से भी खंडित हो, मान लो टूटे हो, या एक रेखा दूसरे रेखा से पूरी तरीके से ना जुड़ी हो, तो उसी के अनुरूप फल मिलेगा, ठीक है? अगर मान लो कि आपका दूध का पैकेट है फटा हुआ है, तो घर जाते जाते जितना बचेगा उतना ही यूज करोगे ना। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर ये जुड़ी नहीं है ना, तो उसी के अनुरूप आपको प्राप्त होगा। जुड़ा न होने का मतलब यानी कि जातक को जितना मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, रीजन पूरी हथेली में भरे पड़े हैं। बाकी पर्वत क्षेत्रों को जान के आप जान सकते हैं कि रीजन क्या है, क्यों हम उतनी सफलता जीवन में प्राप्त नहीं कर पाए। इसके अलावा यहाँ पर अगर स्क्वायर के सिंबल आ जाए, देखो स्क्वायर का होना आपके राहु के क्षेत्र में अत्यधिक शुभ होता है, ठीक है? राहु के एरिया में अगर स्क्वायर है तो ये आपको हर एक विपरीत परिस्थिति से बाल बाल बचाती है। अगर जीवन रेखा के समीप है, कितनी बार मृत्यु से बचोगे पूछो मत, अकाल मृत्यु आपसे दूर रहेगी। भाग्य रेखा के साथ है, हमेशा प्रोफेशनली, अगर बिजनेस है तो बिजनेस, जॉब है तो जॉब, बिजनेस है अगर तो उसमें बड़े बड़े आपको जो सौदे हैं आपके लिए मुश्किल होते होते बचेंगे, आप सौदों को बचा लोगे। अगर नौकरी में हो, नौकरी जाते जाते बचेगी, आर्थिक संकट आते आते बचेगा। जिस भी काम में हो ना, उससे संबंधित बड़ी समस्याओं से आपको बचा लेने का काम करेगा। मस्तिष्क रेखा पर है तो ये बड़े दबाव से बचाने का काम करेगा। जहां भी होगी ना, उस रेखाओं का, उस पर्वत क्षेत्र के जो दुर्गुण है उसे सोख लेती है, और आपके लिए जो उसके बेहतर, जो बेहतर से बेहतर मिल सकता है वो देने का काम करती है। अब मान लो यहाँ पर क्या है, ऊपर के क्षेत्र में यहाँ पर आ गए ट्रायंगल, बहुत सुंदर। यहाँ पर नीचे के क्षेत्र में ट्राइडेंट की स्थिति आ गई और राहु के क्षेत्र में ही खत्म हो रही है, ये भी बहुत सुंदर, आपको आक्रामक बनाएगी, आत्मबल से निपुण करेगी और अपने बाहुबल के द्वारा आप अपने जीवन को आगे की तरफ बढ़ा के लेते हुए चले जाओगे। वाक्पटुता देगी, सौंदर्य प्रदान करेगी, आपसे जो कोई कोई एक बार बात कर ले आपको भूलेगा नहीं आसानी से। तो ऐसी चीजें, बहुत सारे गुण हैं जो कि आपके अंदर भरता है, और इसके मध्य में जितनी सारी रेखाएं आएंगी और जितने ज्यादा पॉकेट बनते चले जाएंगे, अगर वो निष्कलंक हो, कहीं से टूटे फूटे ना हो, कोई बुरे सिंबल इसमें आके, मान लो यह रेखा कोई आ गई, अर्धव रेखाओं ने इसे काट दिया, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं ने, तो उन सबके प्रभाव के दिन क्या होगा, इसके जो जो सुप्रभाव है उसमें कमी आएगी। लेकिन अगर इन सबसे पूरी तरीके से अलग हुई और क्रिस्टल क्लियर हुई, तो ये आपके लिए जितने बेहतर से बेहतर गुण है ना और इनके प्रभाव हैं वो आपके जीवन में देने का काम करेंगे। राहु जब अपने उच्च स्तर पर होगा, शुभ स्थिति में, तो ये आपको राजा बना देगा, और वहीं अगर ये बहुत बुरी स्थिति में हो गया तो रंक भी ना ला पाएंगे आप, ऐसी स्थितियों को पैदा कर देता है। अब एक किस किस से यहाँ पर प्रभावित होता है, प्रभाव होने के लिए कोई भी इस पर अपना प्रभाव डाल सकता है, लेकिन सामान्य तौर पे आप देखेंगे तो मंगल, सैटर्न की स्थिति, सूर्य की स्थिति इनके लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती है। अब मान लो इस मध्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा क्रॉस की सिचुएशन आ जाए, ठीक है, एक से ज्यादा क्रॉस आ जाए, बहुत ज्यादा, खासकर इस मध्य में, ये क्या करेगा, आपके जीवन से परेशानियों को कम ही नहीं होने देगा, ठीक है? हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज आपके साथ जुड़े ही रहेंगे, बेचैनी लगी ही रहेगी, आपका पेट कभी नहीं भरेगा, आपका मन कभी नहीं भरेगा, आपको हमेशा लगेगा कि मेरे साथ अन्याय ही हो रहा है, मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं है, मेरे साथ सब कुछ बुरा ही हुआ है। तो
तो ऐसे युगों को ही बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे क्रॉस और बुरे सिंबल यहाँ पे है, लेकिन गुरु की स्थिति अच्छी है, स्पिरिचुअली जो इनकी लाइन है वो बेहतर है, तो ऐसा बंदा कितनी भी मुश्किल में रहेगा बोलेगा चलो मुझसे भी ज़्यादा मुश्किल में लोगे, मेरे साथ जो भी है फिर भी बहुत अच्छा है। तो ये निर्भर करता है कि आप कितने सेल्फिश हो या कितने उदार हो। अगर आप सेल्फिश होते हैं तो आपको कितना भी दे दिया जाए आपका पेट कभी नहीं भरेगा, और अगर आप उदार हृदय के हैं तो आपको जो भी मिल जाता है उसी में आप कृपा समझते हो। तो ये आपके ऊपर है, आप अपने जीवन को शांत करना चाहते हो या अशांत करना चाहते हो। तो ये रेखाएं भी बता देती है कि आप हो क्या, ठीक है। तो इसके द्वारा आप खुद को जान सकते हैं। इसके अलावा एक खास रेखा के विषय में चर्चा करना चाहूँगा, ग्रहण की जो खास रेखाएं होती है। देखो इस मध्य में जो ये रेखाएं आ जाए ना, और निश्चित तौर पे अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में जब भी मैं चर्चा करता हूँ तो एक निराशा आ जाती है। जब भी किसी व्यक्ति के हथेली में हो ना, उनके लिए जीवन आसान नहीं होता। ऐसे लोगों को काफ़ी हिम्मत के साथ काम लेना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के मामले में आपका कोई सानी नहीं होता। और अगर कहें तो आपका लर्निंग पीरियड यानी कि दुर्भाग्य आपका कभी खत्म नहीं होता। लेकिन अगर आप दुर्भाग्य में भी, सो कॉल्ड तथा कथित दुर्भाग्य में भी अगर आप हिम्मत नहीं हारते हो, आत्मबल आपका कम नहीं होता है और सही लोगों के संपर्क में रहते हैं, तो आप जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाओं जो कि निश्चित है आपके जीवन में, उससे पार पाके जीवन को आप बहुत ही उत्तम बना सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। जीत होगी, समय लगेगा, लेकिन जीत निश्चित होगी। तो ऐसे ही सूक्ष्म रेखाओं के विषय में आपको स्पष्ट तौर पे जानना चाहिए, सूक्ष्म रेखाओं के विश्लेषण समझनी चाहिए, ताकि रियल एस्ट्रोलॉजी आप जान सकें। बिकॉज रियल एस्ट्रोलॉजी इंटायर इंटरनेट पर, यूट्यूब पर कहीं होती है, तो सिर्फ रंग एस्ट्रो और जो हमारे एसोसिएट चैनल्स हैं करंग रंग एंटर रंग माधव। इसके अलावा जहाँ भी आप जाएंगे हर जगह सिर्फ फेक और सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो निश्चित तौर पे आपको उन्हें समझना चाहिए। एक कहावत है, गुरु कीजे जानी के पानी पीजे छानी, बिना बिचारे गुरु करे परे चौरासी खानी। यानी कि पानी छान के पीना चाहिए और गुरु अच्छे तरीके से ठोक बजा के समझ के फिर करना चाहिए। यानी कि हर तरीके से आपके मन में जो शंका है, उनका क्या व्यय है, क्या प्रश्नों के उत्तर हैं, आपके शंका का समाधान किस प्रकार कर पाते हैं, भक्ति कैसी है, उनके अंदर सड विकार की स्थिति कैसी है, साम दाम दंड भेद गुस्सा वगैरह क्या स्थिति है, ज्ञान की क्या स्थिति है, इसके बाद नहीं तो 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ना पड़ता है, इसलिए परे 84 खाने कहा गया है। तो आजकल कोई भी कहीं से कोई वीडियो देख के, कोई बुक उठा के कुछ भी बन जाता है, तो एस्ट्रोलॉजर बन गया, लेकिन आप उल्लू बन गए। प्रॉब्लम ये है, वो सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर बन गया और आप इतने पढ़ लिख के उल्लू बन गए। ये नहीं होना चाहिए। पहचानो, पूरे यूट्यूब घुमाओ, उन्हें एस्ट्रो के अलावा एक वीडियो एस्ट्रोलॉजर मिल जाए तो फिर बता दियो मुझे। जय जय श्री राधे, मिलते हैं फिर।